बातें हो जाए। आज जो है बहुत ही कम संख्या में जो है हमारे छात्रों का जो है रिप्रेजेंटेशन है, पहली बार जो है हम देख रहे हैं। हमारे बाकी साथीगण भी आपको ये जरूर शेयर करेंगे। इस विभाग में जो है शिक्षक दिवस पर जो है ये हॉल में जगह नहीं होती थी बैठने के लिए, और आज इस स्थिति में 20 साल के बाद शिक्षक दिन के ही उपरांत आज पूरा हॉल जो है छात्रों के निरुत्साह से जो है मुझे लगता भरा हुआ है। कोशिश करके वो चंद पंक्तियाँ आपको समर्पित करने की, जब प्यार और मोहब्बत की कुछ बातें हो जाए ना हो तो बात भी क्या है। कुछ प्यारी प्यारी बातें, कुछ इधर से उधर और कुछ उधर से इधर। वो किसी लड़के से प्यार करती है, वो किसी लड़के से प्यार करती है, बाहर होने के तलाश ये बात करती है। न कोई मेल न कोई लगाव है, न कोई मेल न कोई लगाव है, लेकिन न जाने क्यों बस उसी वक्त जब वो आती है मेरे दिल की तार तार बजती है। दोस्तों आपका निरुत्साही कार्यक्रम, बहुत दुखी हो गया मन कि छात्रों का रिप्रेजेंटेशन 20 साल में इतना घटा है। मुझे बहुत खड़ी बात खड़े बोल बनने की आदत है और मुंह पे बोलने की बहुत खूबसूरत आदत है, देखिए पीठ पीछे में कभी किसी को कुछ नहीं बोलती। शायद हम शिक्षकों की ये कमी है, छात्रों की यह संख्या घटती हुए मैंने मानती कि इसमें छात्रों को कोई दोष है। मैं मानती हूँ कि यहाँ शिक्षकों की अपनी कमियाँ हैं। आपके साथ जस्टिफाई शायद शिक्षक नहीं कर रहे, आपके क्लासेस नहीं हो रही है, आपको जो ज्ञान प्रदान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आज सबसे अनुरोध करती हूँ, छात्र जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो जैसे स्कॉलर हो या तो वो मास कम्युनिकेशन हो या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हो। दोस्तों शिक्षक दिवस ये नहीं है कि बस उत्साह से मिठाइयाँ खाई, गुणगान गाया और घर चले गए। शिक्षक दिवस वो होता है कि हम अपने शिक्षक को दिल से चाहे, वो नहीं कि सर पीछे आगे चल रहे हैं और पीछे से आप दो चार गालियां ठोक रहे हैं, ये शिक्षक दिवस नहीं होता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी शिक्षक दिवस जरूर मनाइए, लेकिन शिक्षक की कुछ अच्छी बातें जरूर लीजिए। हम नहीं कहेंगे कि सारे शिक्षक गलत है, आपका तो सौभाग्य है आपके विभाग में 9 शिक्षक 9 रसों से भरे हुए हैं। हर शिक्षक का एक रस उठाइए और 9 रसों का आनंद लीजिए। यही पर जो है मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और सभी को जो है शुभकामनाएं देती हूँ आपके जो है भविष्य के लिए। जो है मैं शुभकामना देती हूँ आपको कि आप इस अवसर को जो है और खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए। आधे में से तो आगे शिक्षक ही बनने वाले हैं, जो विभाग में रिसर्च स्कॉलर की संख्या बढ़ते हुए नजर आ रहा है वो तो शिक्षक ही बनना है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये लोग भी हमारे साथ शिक्षक के रूप में जल्द से जल्द आए। सभी को शुभकामनाएं देते हुए